अस्सलाम वालेकुम क्लास फाइव, आज हम पढ़ेंगे 2.6, 7 और 8, जिसमें फैक्टराइजेशन ही कंटिन्यू है जैसा कि पिछले लेक्चर में था, लेकिन इसमें मेथड थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें आ गया है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम ट्री मेथड भी कहते हैं। तो इसमें क्या फ़र्क है, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उससे हमें समझ आएगी। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है 8 और 10 का, तो हमने इनके फैक्टर्स क्रिएट कर लेने हैं अलग अलग दोनों के। ये 8 हो गया, ये हो गया 10। तो 8 के फैक्टर्स 2 × 2 × 2, ये हैं। ये हमने फाइंड उसी मेथड से किए हैं जो इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, अलग अलग जो है वो फाइंड कर लिया ऐसे, यही वाले हमने यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। इसमें वो मेथड जो है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको आप रफ पे कर सकते हैं। इसी तरीके से 10 के भी बनाएंगे, तो ये बनेगा 2 और 5। ठीक हो गया क्लास, अब अगली बार जो है वो समझने वाली। अब हमने इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं और अनकॉमन हैं उनको अलग अलग मेंशन करना है। कॉमन का मतलब कि जो दोनों में सेम हैं, और कितनी दफ़ा सेम है वो भी, जैसे कि 2, वैसे तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही 2 है, तो ये एक ही कॉमन आएगा इनके साथ, बाकी दोनों कॉमन में नहीं बल्कि अनकॉमन में काउंट किए जाएंगे। तो कॉमन फैक्टर हो गए 2 और अनकॉमन 2 और 5। तो 2 और 5, अब ये हो गए अनकॉमन फैक्टर। तो अब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कॉमन है जो अनकॉमन है। तो पहले हम इनको साथ लिख लें, 2 ये कॉमन हो गया और ये 3 हो गए अनकॉमन। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। तो आंसर आ गया इसका 40, ये आ गया इसका LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो अगर 2 फैक्टर आ जाए तो भी इसी तरीके से करना है, और अगर 3 फैक्टर आ जाए यही मेथड जो है वो फर्दर चलेगा 2.7 में भी और 2.8 में भी, लेकिन फ़र्क क्या होगा, डिजिट्स इंक्रीज होते जाएंगे। पहले में 2.6 में 2 डिजिट हैं और 2.7 के अंदर डिजिट्स जो हैं वो 3 हो जाएंगे। तो 3 डिजिट्स हम यहाँ पे सपोज करेंगे, ये 3 डिजिट्स। अब इन तीनों की अलग अलग फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि रफ अमल के तौर पे यूज़ होगी 8, 4, 2, 1। 16 की हो गई, ठीक है। इसी तरीके से 24 की भी करेंगे और 32 की भी करेंगे। अब सबकी फैक्टराइजेशन हम कर लें, 16 की लिख लें 2, 2, 2 और 2, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16। 24 की 2, 2, 2 और 3, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 3 = 24। 32 की 2, 2, 2, 2 और 2, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 2 = 32। तो ये हो गए इनकी फैक्टराइजेशन। अब इनमें हम देखेंगे कि कितने कॉमन बनते हैं और कितने अनकॉमन बनते हैं। ये देखें, सबसे पहले ये 2, और आपने भी इसी तरीके से इसको
सर्कल करना है ताकि आपके लिए भी आसानी हो और देखने वाले के लिए भी आसानी हो। दो, तीन। अब ये तीन जो टू टू हैं, ये तो तीनों में कॉमन आ गए। अब इसका एक टू बच गया, इसका थ्री बच गया, इसके दो टू। अब देखिए, ये भी टू है, ये भी टू है, ये इन दोनों में कॉमन है लेकिन थर्ड में कॉमन नहीं है, तो ये कॉमन में हम काउंट नहीं करेंगे, इसको हम अनकॉमन में ही काउंट करेंगे। तो कॉमन में जो आए कितने हैं, एक दो तीन, तीन कपल्स है तो थ्री टाइम्स आएगा, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, अब ये आ गया कॉमन। तो इसका टोटल बनता है टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट, सही। और अनकॉमन में टू थ्री, टू एंड टू, टू थ्री, टू एंड टू। अब ये हो गए अनकॉमन फैक्टर, इनका भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या बनेगा। टू थ्री ज़ार सिक्स, सिक्स टू ज़ार ट्वेल्व, ट्वेल्व टू ज़ार ट्वेंटी फोर। तो अब कॉमन और नॉन कॉमन कौन कौन से है, एट एंड ट्वेंटी फोर। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से, एट फोर ज़ार थर्टी टू, तो टू थ्री कैरी जाएगा, एट टू ज़ार सिक्सटीन, सेवनटीन एटीन एंड नाइनटीन, तो ये आ गया वन नाइन्टी टू। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, वन नाइन्टी टू। ठीक हो गया क्लास। अब थ्री फैक्टर की फैक्टराइजेशन हमने सीख ली इस तरीके से, अलग अलग करके तीनों की इधर पुट करनी है और कॉमन जो है उनको सर्कल करके कॉमन लिख देना है इनका आंसर, और जो अनकॉमन है उनका आंसर फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो फाइनल आंसर आएगा एलसीएम का। तो इसी तरीके से अब 2.8 में है फोर फैक्टर्स, 2.6 में टू थे, 2.7 में थ्री हो गए, और अब फोर फैक्टर्स आ जाएंगे, और फोर फैक्टर्स की भी इसी तरीके से फैक्टराइजेशन हम करेंगे। तो आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। तो 2.7 भी इसी तरीके से करनी है, 2.8 भी और 2.6 भी, और इससे प्रीवियस जो है वो मैं पहले पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ। थैंक यू क्लास।